अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो यारो व्लॉग। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस जगह का आपको मैं विजिट करवाऊंगा वो है दिल्ली दरवाज़ा का मशहूर नाश्ता, और ये देसी घी में बनाते हैं। इनका बड़ा मशहूर नाश्ता है और मेरे सामने आप रश देख ही सकते हैं कि लाइनों में लग के नाश्ता कर रहे हैं लोग। हम भी इनसे नाश्ता करेंगे और आपको बताएंगे क्या टेस्ट है, क्या जो इनके बारे में सुना वाकई सच है कि नहीं, क्या लोग वाकई दीवाने हैं इस देसी घी के नाश्ते के। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाह बरकात। खालिस मोहब्बत सर पेश कर रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, खालिस मोहब्बत। तो क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इसमें भाई खलीफा जी जो बड़े मशहूर हैं वो आपके वालिद साहब हैं? जी वो मेरे वालिद साहब। तो कितने देर से आप ये चला रहे हैं माशाल्लाह? ये तकरीबन 28 साल हो गए हैं इस एरिया में। इस एरिया में? हाँ जी 28 साल। इससे पहले आप कहाँ थे? यकी गेट लगाते, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। अच्छा। तब 9 एकड़ रुपए का होता था माशाल्लाह, तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप कितनी देर हो गए माशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं? तकरीबन 35 से 36 साल हो गए मुझे काम करते हुए इसी जगह पे। हाँ। माशाल्लाह, इधर 28 साल हो गए हैं काम करते, कुछ 36-37 साल हो गए। तो इनके बारे में बताइए क्या क्या होता है खाने में? जो मेरे पास पाए हैं बड़े बेहतरीन बकरों के, देसी बकरों के, खाद होती है, जुबान होती है, ये मगज होते हैं, और इस सालन में घी देसी डालते हैं। ये देसी अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, इधर देसी घी डालते हैं सालन में, और इधर डालडा घी होता है। ये मगज है? हाँ जी ये मगज है, मगज में डालडा घी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं ये शोरबा अलग ही है। अच्छा, ये शोरबा कोई इधर से मांगे इधर से दे देते हैं, कोई इधर से मांगे इधर से दे देते हैं। और जो हम श्रीपाय लाते हैं ना बड़े बेहतरीन जी, वो तारे वाली कोठी के पास हमारे अहमद अली हैं जी उर्फ काका, उनकी दुकान से हम श्रीपाय लाते हैं बड़े बेहतरीन। अगर किसी को चाहिए हो तो दोबारा रिपीट कर दें। तारे वाली कोठी के पास जी मानी है, मानी मानी भाई उनके बेटे हैं अहमद अली उर्फ काका जी, उनसे इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन श्रीपाय मिलेंगे अगर कच्चे लाने हो किसी ने। तो टाइम क्या सर आपका? हमारा है 5:30 से 10 बजे तक। 10 बजे तक? हाँ जी 5:30 से 10 बजे। माशाल्लाह, तो लोकेशन अपनी बता दें। लोकेशन ये दिल्ली गेट शाही इमाम के सामने, अंदरून दिल्ली गेट शाही इमाम के सामने। माशाल्लाह, मगज का प्याला कितने का सर? जी मगज खाद जुबान 600 रुपए का है जी, पाया 700 का और 600 रुपए का। ओए इधर ओ सईद भाई नु भेज दे, पैसे रहन दे ना। जी जी बिस्मिल्लाह जी, ठीक उथे बैरे बुरे उन्होंने ही ने, उन्होंने इन्ने नशिए भले ने तो देने ना सेट बर्तन वगैरह हर चीज। चाह गले च पा लो ली भाई पैसे, सईद भाई को वो चाह लै नहीं चला लें। ये माशाल्लाह जी ये पाए देखे साइज तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ जी ये देखो माशाल्लाह, और पाए होते आगे वाले, आगे वाले पाए जो बड़े होते हैं जी, अंदर ताकत
अच्छा, हमेशा जब खाना हो तो आगे वाले पाए खाते हैं। ये बड़ी पते की बात की है भाई जान। माशाल्लाह, ये भी जनरल लॉजिक का सवाल है। मैं तो खाते हुए इनसे 35 साल हो गए, पहले इनके अबू लगाते थे, उनसे खाते थे, अब इनसे खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 35 साल हो गए। कैसा टेस्ट है सर? जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी बात, हम नारोवाल से खाने आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नारोवाल से। मैंने ये लाहौर में देखा है कि अगर टेस्ट अच्छा है ना तो लोग टाइम नहीं देखते, नींद नहीं देखते और पैसे नहीं देखते। बहुत शुक्रिया जनाब। यार चा गया जाने, एक मिनट च आए तीन से भजन चाड़ना ना आपको। ये ले बिस्मिल्लाह, अली अदरू पढ़। हाँ कितने का प्याला सर? ये 700 रुपये का। ये घी है दिस, इसमें भी डाला हुआ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।